सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को सौगात दी, जहां सीएम शिवराज ने प्रदेश के 52 जिलों के 363 निकायों में 1,29,292 हितग्राहियों को लाभान्वित किया। देखिए रिपोर्ट। खंडवा में आयोजित हुए मुख्य कार्यक्रम में राजधानी भोपाल के हितग्राही वर्चुअली जुड़े थे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल नगर पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहां मंत्री जगदीश देवड़ा और विधायक कृष्ण गौर समेत जनप्रतिनिधि सम्मेलन में मौजूद रहे। हितग्राही सम्मेलन में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की माने तो प्राइम लोकेशन पर पीएम आवास योजना के मकान बैनर तैयार हैं, जहां इस योजना के चलते मुख्यमंत्री ने लोगों को लाभान्वित किया है। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोगों की जीवन की दिशा बदली है, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया है। आज मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,29,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में गृह प्रवेश या उनके खाते में राशि या आज 50,000 से ऊपर लोगों के भूमि पूजन प्रधानमंत्री आवास के जो हुए हैं, आज हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का क्षण है कि इतने लाख लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक क्लिक के माध्यम से लोगों को आज लाभान्वित करने का काम किया है। ये मित्रों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि गरीबों को उनके अपने मकान में रहने का अधिकार है। आज आप ये देख रहे होंगे, मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूँ, भोपाल के जिस रीजन में हम लोग बैठे हैं, ये भोपाल का बहुत प्राइम लोकेशन है। उस प्राइम लोकेशन में जो अभी चयन प्रमाण पत्र हमारे कमिश्नर साहब ने, लोगों ने, जगदीश देवड़ा जी ने, सभी लोगों ने यहाँ पर दिए हैं, उनको इन मकानों में इतने प्राइम लोकेशन पर आज उनको चयन हो करके उनके मकान यहाँ पर बन करके तैयार हैं और मकानों के भूमि पूजन हो रहे हैं और जो मकान स्वयं बना रहे हैं उनके खाते में पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। हम लोग जो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो उन हर गरीब के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख तक का फ्री में इलाज कराने की सुविधा सरकार ने दी हो, तो ऐतिहासिक तौर पर आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री ने 1,29,000 लोगों को लाभान्वित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में हितग्राहियों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।